बिसम इब्राहीम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोली एक्राइल्ड माइल जल अलेक्ट्रोफ्रेसिस ये एक तकनीक है जो यूज़ की जाती है प्रोटीनस को सेपरेट करने के लिए अपॉन द बेस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट इसके लिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट की जरूरत होती है जिसमें हमें सैंपल के प्रोटीन सैंपल के साथ साथ चाहिए होता है अपना लोडिंग बफर लोडिंग बफर के जो होते हैं वो चार कंपोनेंट होते हैं नंबर वन एस टी एस इलेक्ट्रिक चैम्बर चाहिए, चाहिए होता है स्टेनिंग के लिए और प्रोटीन मार्कर चाहिए होते हैं प्रोटीन मार्कर या प्रोटीन लेदर जो होती है वो एक ही चीज होती है ये सैम्पल होता है नॉन प्रोटीन का जिसके साथ हम अनोटीन को कंपेयर करते हैं आगे हमारे पास एक वीडियो है जिसकी बदौलत हम इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि है क्या और इसमें कौन कौन से स्टेप हैं सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप देखें कि इसमें दो स्टेप हैं पहला ये कि हमने सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है दूसरा ये हमारे जेल कैसे प्रिपेयर करनी है फिर तीसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन किस तरह से सेपरेट होंगी जब जेल अलेक्ट्रोफ्रेसिस उसकी करवाई जाएगी

कि जो लोडिंग बफर है इसमें एस टी एस एस पाया जाता है और इसमें इसके बाद जो होता है बीटा मार्केप्टोइानल पाया जाता है मार्कोफिनोल पाया जाता है और ग्लिसरॉल ग्लिसरोल पाया जाता है तो हम अपने इस जो हमारा लोडिंग बफर है इसको अपलोड करेंगे अपने प्रोटीन सैंपल के अंदर जैसे ही हम इसको अपलोड करेंगे फिर ये हमारे तीनों सैंपल्स हैं जिनको हमने प्रोटीन मार्कर से कंपेयर करना है इनको हम रखेंगे 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर पांच मिनट के लिए इस दौरान होने वाले रिएक्शंस में हम देखेंगे कि कि प्रोटीन का एक पेप्टाइड जो के अमीनो एसिड से मिलकर बना है अमीनो एसिड चूंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साइड चेन पाई जाती है ये जो दो अमीनो एसिड्स होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और आपस में जो पेप्टाइड की कन्वोलिशंस पाई जाती हैं कन्वर्जन पाई जाती हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन की वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से और आयोनिक बॉन्ड की वजह से अब इसमें जो बफर लोडिंग बफर में एस टी एस था इसकी जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है हेड जो होता है वो पोलर होता है ये हेल्प करता है डिसॉल्व करने के लिए हमारे डिफ आइंस को जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाइड्रोफोबिक है और आयोनिक करेक्टर्स हैं इसको डिसॉल्व कर देता है और बीटा बीटामारोनल जो होता है वो डाइसल्फाइड ब्रिज को तोड़ता है अब STS की जो कंसंट्रेशन है वो चेन के इर्द गिर्द आकर एग्रीगेट हो जाती है चूंकि ये इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पूरी चेन को घेर लेता है इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो चेन का पोलीपेप्ट uh, चेन का जो चार्ज होगा वो इग्नोर हो जाता है इनसिग्निफिकेंट हो जाता है तो सारे के सारे प्रोटीन के जो पेप्टाइड होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं ये था हमारा सैंपल जिसको हमने रेडी किया अब हम देखेंगे जेल कैसे प्रिपेयर करनी है तो हमारे पास दो तरह की जेल होगी सेपरेटिंग और स्टैकिंग uh, जिनकी पीएच डिफरेंट होगी इनमें दोनों में जो होंगे वो एक्राइल अमाइड बिस एक्राइल अमाइड अमोनियम पर सल्फेट और टी जो है वो चारों के चारों कंपोनेंट पाए जाते हैं इनको हम अपलोड करेंगे दो किस जो है वो शीशे की बनी हुई दो प्लेट्स हैं उनको हमने केसिट में फिक्स किया है सबसे पहले इसमें हम पोर करेंगे अपनी सेपरेटिंग जेल के सैंपल को अब ये जेल बनती कैसे है सेपरेट हमने देखा कि इन दोनों में जो है वो कंपोनेंट पाए जाते हैं पहले तो एक्राइल अमाइड पाया जाता है और एक्राइल अमाइड की जो होती है रेडिकल फॉर्मेशन होती है जिसको इनिशिएट करवाता है मुनियम पर सल्फेट और टी ई एम ई डी जो होता है वो एक्सीलरेशन करवाता है रेडिकल फॉर्मेशन की तो एक्सीलरेशन के नतीजे में पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं पॉली एक्राइल बन जाते हैं और इनको फिर क्रॉस लिंक करता है आके बिस एक्राइल अमाइड क्रॉस लिंक बनने के बाद एक खसूसी जो होते हैं वो मोलिकुलर सीव कॉन्टेनिंग जेल बन जाती है और ये जो जेल होती है इनके पोर साइज डिफरेंट होते हैं ऐसी प्रोटीन जिनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है उनमें एक्राइल अमाइड की कंसनट्रेशन उनको सेपरेट जब करते हैं तो जेल बनाते हुए कंसनट्रेशन कम यूज़ की जाती है और ऐसी प्रोटीन जिनका मोलिकुलर वेट कम होता है उनको सेपरेट करने के लिए एक्राइल अमाइड की कंसंट्रेशन जेल बनाने के दौरान ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और जैसे ही अब हम अपनी सेपरेटिंग जेल कंप्लीट कर लेते हैं अब हम स्टैकिंग जेल जो कि कम पीएच रखती है सेपरेटिंग जेल से उसको उसके ऊपर अपलोड कर देंगे ये दोनों जेल एक दूसरे के ऊपर अपलोड हो जाएंगे हम प्लास्टिक कॉम्प की मदद से छोटे छोटे वेल बनाएंगे ये जो वेल होते हैं इसमें हम अपने सैंपल्स को अपलोड करते हैं केसेट को रिमूव करेंगे केसेट को रिमूव करने के बाद फील्ड में रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड अपसाइड होगा नेगेटिवली सॉरी नेगेटिव चार्ज अपसाइड होगा और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड डाउनवर्ड होगा और इसको हम फिर एक चैम्बर में रखेंगे और चैम्बर में रखने के बाद इसमें हम अपना रनिंग बफर डाल देंगे जिसकी पी एच होगी वो ट्रिस्क क्लोराइड से मिलकर बना होगा जैसे ही हम इसको फिल करेंगे इसके बाद अब टाइम है कि हम अपना सैंपल अपलोड करें सैंपल अपलोड करने से पहले हम प्रोटीन लेदर को अपलोड करेंगे प्रोटीन क्या था? हमने पता है कि ये कंटेनिंग है ऐसे पेप्टाइड से मिलकर बना है जिसका हमें मोलिकुलर वेट पता है सबसे पहले हम इसको अपलोड करते हैं इससे कंपेयर करके अपने तीन सैंपल में मौजूद प्रोटीन का जो है वो रिजल्ट कंक्लूड करेंगे अब बारी बारी जो बाकी के वेल्स हैं इनमें जो सैंपल है इसमें ब्रोमोफिनोल ब्लू और ग्लिस पाया जाता है ब्रोमोफिनोल ब्लू जो है वो इसको स्टेनिंग कलर देता है और जो है वो इसको वेल के अंदर मेंटेन रखता है कि ये रनिंग बफर के साथ मैशअप ना, ना करे और प्रोपरली जो है वो थ्रू स्टैकिंग जेल मूव करे अब इसको हम क्लोज करेंगे क्लोज करने के बाद इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे और वोल्टेज डिफरेंस की वजह से जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती हैं, वो मूव करना शुरू कर देती हैं अपर इलेक्ट्रोड टू की तरफ और हायर मोलिकुलर वेट रखने वाली प्रोटीन जो होती वाली जो प्रोटीन होंगी, वो करेंगी इसके बाद स्टैकिंग जेल में कौन सा रिएक्शन होता है और सेपरेटिंग जेल में कौन सा रिएक्शन होता है अगर स्टैकिंग जेल ना हो तो सारे के सारे प्रोटीन या पेप्टाइड बेप्टाइड वक्त आके सेपरेटिंग जेल में गिर जाए डिफरेंट टाइम्स पर आके गिरे एक साथ नहीं आते तो जिसकी वजह से कोई प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते तो रनिंग बफर जो होता है उसमें ट्रिस्ट ग्लाइसिन क्लोराइड पाया जाता है ग्लाइसिन हमें पता है कि एक अमीनो एसिड है और ये डिफरेंट पी पर डिफरेंट चार्ज रखता है तो हमारे पास रनिंग बफर की पी भी डिफरेंट है स्टैकिंग जेल की पी भी डिफरेंट है और सेपरेटिंग जेल की पी भी डिफरेंट है तो क्लाइसिन जो अमीनो एसिड है वो 5.9 पर जो है वो एकटर आइन के तौर पर एक्ट करता है जब अमीनो एसिड एक या न्यूट्रल आइन के तौर पर एक्ट करते हैं उस पीएच को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पी जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है अगर आइसोलैक्ट्रिक से कम पीएच होगी तो प्रोटोनेशन हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज चार्ज पॉजिटिव आ चार, चार जाएगा अगर से ज्यादा पीएच होगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डी प्रोटोनेशन हो जाएगी तो अब हम डिफरेंट जो ये सिचुएशन है जिसमें रनिंग बफर की पीएच 8.3 है तो इस दौरान जो आपका ग्लाइसिन है और कलोरिन है तो दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसकी जो पीएच है वो आइसोलैक्ट्रिक पीएच से ज्यादा है तो जैसे ही ये मूव करके वेल well से स्टैकिंग जेल में आएंगे यहाँ हम इनको एक ही एक ही तरतीब में एक ही वक्त में इकट्ठा करेंगे यहाँ पर स्टैकिंग जेल की जो पीएच है वो प्रोक्सीमेटली आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के बराबर होती है और ये इस पीएच में ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल ही रहता है ग्लाइसिन जो आपका है और आपके नाइन तेजी से मूव करते हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और ये हेल्प करता है एग्रीगेट करने में सारी प्रोटीन के पेप्टाइड को एक साथ एग्रीगेट करने में अब जैसे ही ये स्टैकिंग जेल से सेपरेटिंग जेल में मूव कर जाता है तो सेपरेटिंग जेल का जो पीएच होता है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा होता है अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं ग्लाइसिन के और अब ये तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं टूअर्ड द पॉजिटिव एंड और इसके पीछे ही जो प्रोटीन है डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट की वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो जाती है तो इसीलिए हमने स्टैकिंग जेल को यूज किया है कि जब स्टैकिंग जेल से सेपरेटिंग जेल में चीजें इंटर हो पेप्टाइड इंटर हो तो एक साथ इंटर हो अगर हमारे पास स्टैकिंग जेल ना होता हम डायरेक्ट वेल से इसको इंटर करवाते तो सेपरेटिंग जेल में ये मुख्तलिफ टाइम पे आती है और इक्वली हमें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और मोलिकुलर वेट का एज कम्पेयर टू प्रोटीन लादर पता नहीं चलता अब आपने देखा कि ये नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि सेपरेटिंग जेल की जो पीएच है वो ग्रेटर देन है आइसोलैक्ट्रिक पीएच से अगर लेस देन होती तो ये पॉजिटिवली uh, चार्ज होते अगर इक्वल टू आइसोलैक्ट्रिक पॉइंट होती जैसा कि स्टैकिंग और, और बफर रनिंग बफर में था ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज रखते थे इनकी कंडीशन न्यूट्रल थी अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो उसको स्टडी करते हैं जैसे ही हमारी चीजें सेपरेट हो जाती है हम देखते हैं इसमें ब्रोमोफिनोल ब्लू होता है जो माइग्रेशन को डिस्टर्ब ना करे इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं रिमूव करने के बाद अपनी केसेट अंदर से निकाल लेते हैं अब इस केसेट को जैसे ही हम रिमूव कर लेंगे इसके ऊपर दो पोर्शन है एक स्टैकिंग जेल है और दूसरी सेपरेटिंग जेल है चैंबर में था रनिंग बफर वो अब वही पे रह गया है इसमें सिर्फ स्टैकिंग और सेपरेटिंग जेल है स्टैकिंग जेल हम रिमूव कर देंगे और सेपरेटिंग जेल को हम uh, कोमेसिव ब्लू स्टेन में रखेंगे और इसमें प्रोटीन की स्टेनिंग करेंगे कोमेसिव ब्लू जो होता है वो प्रोटीन की स्टेनिंग करने के लिए बहुत ही कॉमन यूज किया जाता है इसको इसमें हम अपनी सेपरेटिंग जेल को डिप करेंगे और डिप करने के बाद जब वो स्टेन हो जाएंगी हाईली स्टेन डार्क ब्लू बैंड हमें मिलेंगे अब अब अगर आप बैंड को डीपली स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन 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 मार्कर या प्रोटीन और सैंपल में क्या डिफरेंस है तो आपने देखा जो फर्स्ट वेल well था उसमें हमने जो फिल किया था वो हमारा प्रोटीन लेदर था जिसे हम प्रोटीन मार्कर कहते हैं ऐसे प्रोटीन जिनका साइज और वेट हमें पहले से मालूम होता है तो ये आपका सैंपल वन है ये आपका टू है और ये आपका सैंपल थ्री है तो इसमें आप देखते हैं कि एक प्रोटीन सेपरेट हुआ है 120 पे और एक प्रोटीन सेपरेट हुआ है 86 पे और एक प्रोटीन सेपरेट फोर्टी टू किलो डॉल्टन पर और एक सेपरेट हुआ है सेवन किलो डाल्टन पर तो आपके सैंपल में जो प्रोटीन्स पाए जाते थे उनका अननोन मोलिकुलर वेट जो है नॉन प्रोटीन से कंपेयर करके हम मालूम कर सकते हैं अब आपके पास जो सैंपल है इसमें और तीसरे का 18 किलो डाल्टन है इसी तरह अगर आप दूसरे सैंपल में जाए तो पहले का एट्टी है और दूसरे का फोर्टी है अगर आप तीसरे सैंपल को स्टडी करें तो पहले सैंपल में पहला प्रोटीन जो था वो वन किलो डॉल्टन का था और लास्ट प्रोटीन जो था वो सेवन किलो डॉल्टन का था तो आई होप सो कि आपने इस जेल इलेक्ट्रोफ्रेसिस को अंडरस्टैंड किया होगा बेनिफिशियल होगी आपके लिए ये वीडियो अगर आपको फिर समझ ना आई हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसको हम इस तरह से समराइज करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास प्रोटीन सैंपल क्या है उसको लोडिंग बफर मिक्स करेंगे और उसके बाद हम उस सैंपल को प्रिपेयर्ड जेल में Uh, जो है वो एज कंपेयर टू प्रोटीन लैडर अपलोड करेंगे अपलोड करने के बाद जो हमारे पास फाइनली बैंड आएंगे उन बैंड को प्रोटीन लैडर से कंपेयर करके हम अननोन सैंपल में मौजूद प्रोटीन का वेट मालूम कर सकते हैं ये वो चीज थी जिसे हम कह रहे थे कि ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट तो आपने वाज़िया देख लिया कि किस तरह हमने तीन सैंपल में मौजूद प्रोटीन को कंपेयर किया है प्रोटीन लेदर से और उनके वो मोलिकुलर वेट के मुताबिक उनको रिकॉग्नाइज्ड किया है आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी थैंक यू वेरी मच